हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में आत्मनिर्भरता पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, 2020 में आत्मनिर्भरता शब्द जो है विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है आत्मनिर्भर, मतलब स्वयं ही स्वयं पे निर्भर होना, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट या दूसरे पे आश्रित ना होना आत्मनिर्भरता है। कोरोना के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उसके बाद एक संकट आ गया था, आर्थिक संकट, जीवन मरण का। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तब एक आह्वान किया कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने संसाधनों को अपने आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना चाहिए। आपके पास जितने भी संसाधन है, आपके पास जो भी जरूरतें हैं, उनमें आप नया नवाचार करें, नए नए इन्वेंशन करें, नई नई खोज करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। उसी आत्मनिर्भरता के अंतर्गत आपने देखा होगा एक साल में नए नए प्रयोग शुरू हुए हैं, चाय की दुकान खुल गई और नए नए सैंडविच सेंटर खुल गए, फास्ट फूड के इतनी दुकानें हर शहर में खुल गई हैं, जो दिल्ली बंबई में हुआ करती थी वही पैटर्न की दुकानें छोटे छोटे शहरों में खुल गई। कुछ लोगों ने मास्क सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया। ये सारे आत्मनिर्भरता के प्रयोग थे, लोगों ने करा। जो शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए थे उन्होंने अपने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिए, यूट्यूब बनाने, यूट्यूब पे अपने बीच वीडियो लोड करने लगे और उसी से लोगों को अपने आर्थिक संबल मिला, आर्थिक सहयोग भी हुआ और अपने आप को स्टैब्लिश भी किया। पर आपने कभी सोचा नहीं होगा बेगर, भिखारी, भिखारी भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये एक रोचक कहानी है, सच्ची कहानी है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं अपने चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के साथ, कि भिखारी भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमने देखा होगा हर जगह आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, धार्मिक स्थानों के सामने भीड़ वाली जगहों पे एक डिब्बा कटोरा लेके या हाथ फैला के आपसे सहयोग मांगते हैं, जिसको हम कहते हैं भीख। कई बार हम इनके ऊपर मांगने वालों को छिड़कते भी हैं, लेकिन यह कई सालों से चली आ रही है। अब ऐसा क्या हो गया, प्रधानमंत्री की स्पीच का क्या असर हुआ कि भिखारी भी आत्मनिर्भर हो गए? जी हाँ, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जिसे कहते हैं, ये भारत सरकार की योजना है, कई जगह चल रहा है, सभी जगह चल रहा है और राज्य सरकारों ने इसको अपने अपने हिसाब से करा, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब जगह। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था और उसी के तहत क्या गाँव के कई लोग इकट्ठे होते हैं, खासतौर से महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा तरक्की पे, महिलाएं एकत्रित हुई हैं, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने आइडियाज रखे और 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 करके आज 2,500 महिलाओं का एक ग्रुप बने हुए हैं, जो अपने संसाधन के आधार पे अपना और अपने परिवार और अपने समाज को विकसित कर रही हैं, उनके लिए आर्थिक संसाधन का स्रोत बनी। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में आर्थिक सुरक्षा की चिंता के लिए, आर्थिक सुरक्षा की चिंता करते हुए, जैसे हम सभी करते हैं कि हमारे फ्यूचर सुरक्षित हो जाए, हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं सेफ लॉकर में रखते हैं, कहीं किसी ना किसी चीज में लगाते हैं सुरक्षा, क्योंकि हमें भी है कि आने वाले दिनों में आर्थिक संकट हम कैसे दूर करेंगे। इसमें मुजफ्फरपुर के भिखारियों ने भी, जो बैगर्स कहलाते हैं, उन्होंने इस आर्थिक संकट के लिए कि भविष्य में क्या होगा लोगों का, क्योंकि लॉकडाउन में उनकी बहुत बुरी हालत थी, वो तो भारत सरकार और राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज सेवकों का था कि उन्होंने उनको भोजन मुहैया कराया, कईयों के पास तो छत भी नहीं थी, सड़क किनारे सोते हैं, बॉम्बे वगैरह में तो बहुत बुरी हालत है, पाइप में सो जाते हैं, सड़क किनारे सो जाते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके लॉकडाउन में उनको कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सोशल वर्क के कार्यकर्ताओं, सरकार, राजनेताओं, इन्होंने को मुफ्त भोजन और सुरक्षा प्रदान करी। तो वो उसमें उन्होंने सोचा कि अब हमको भी अपना आर्थिक सुरक्षा की चिंता
के तहत उन्होंने भी कुछ इनोवेशन कुछ प्रयोग किए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। मुजफ्फरपुर में 175 भिखारियों ने शुरुआती दौर में, देखिए जो आंकड़ा आया है, 175 भिखारियों ने इसकी शुरुआत करी और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ये मैंने आज का आनंद एक समाचार है, पेपर है आज का आनंद पुणे का, 28 अगस्त 2021 को उसने ये स्टोरी प्रकाशित की थी। उसी के तहत मैं आपसे बता रहा हूं कि 175 मुजफ्फरपुर के जो भिखारी थे उन्होंने इकट्ठे हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 5 बैंक बनाए उन्होंने। 5 बैंक जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किए और इन सबों को बेहतर रूप से संचालित कर रहे हैं ये लोग। और सभी भीख में जो पैसा मिलता है, ये 75 भिखारी इकट्ठे होते हैं, जो भीख में पैसा मिलता है उसको यहाँ जमा करते हैं। बैंक बनाया उन्होंने, 5 बैंकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उसमें अपना पैसा जमा करते हैं। उस पैसे जमा राशि पे इनको ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर ये लोन भी दे देते हैं। अगर किसी भिखारी को जरूरत है तो उसको लोन भी दिया जाता है। जरूरतमंद जो सदस्य रहते हैं 1% ब्याज की दर से 3 महीने के लिए लोन देते हैं। ज्यादा नहीं है इनका, इनकी अपनी क्राइटेरिया कि 3 महीने के लिए हम आपको लोन देंगे। 100 रुपए दिया, 1% ब्याज, मतलब आपको 3 महीने में 3 रुपए ब्याज देना। बहुत सस्ता, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। साप्ताहिक मीटिंग होती है, हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, उसमें जमा राशि और लोन की राशि का बकायदा हिसाब किया जाता है, पूरा हिसाब किताब करते हैं। और इन सफल कोशिशों को देखते हुए, इनकी जो कोशिशें हुई हैं इसके कारण धीरे धीरे ये स्टोरी जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में छपी, पेपर में आया, काफी कुछ हुआ, तो सरकार भी अब इनकी मदद कर रही है और सरकार कह रही है हर सेल्फ ग्रुप में कम से कम 15 सदस्य रखे जाएं। इन्हें कई बनाए, अलग ग्रुप बनाए और हर रविवार को तय जगह पे इनकी मीटिंग करेंगे और वहां सभी सदस्य साथ में बैठ के नए नए फैसले लेते हैं। सरकार भी अब इनके साथ मदद कर रही है। इनकी बैठक की जो पूरी कार्रवाई है इसके लिखा पढ़ी करने के लिए क्या करा है सरकार ने और स्थानीय लोगों ने, MSW के छात्रों ने और कई नौजवानों ने, कि वो बैठक में जाते हैं, एक बकायदा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्योंकि भिखारी में से अधिकांश अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उतने तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि MSW के, सोशल वर्क के, समाजशास्त्र के विद्यार्थी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो, या फिर अन्य जो छात्र हैं वो चले आते हैं, आधे घंटे इनकी बैठक होती है साप्ताहिक, वहां इनकी मदद कर रहे हैं। और इन छात्रों की मदद से, इन विद्यार्थियों की मदद से, स्वयंसेवकों की मदद से, ये जो भिखारियों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें सदस्यों की समस्याओं का निराकरण होता है, हफ्ते भर में कितना पैसा जमा हुआ और फिर ब्याज की राशि और फिर जो लोन दिया जाता है पूरा रजिस्टर में मेंटेन करने का काम हो गया। क्योंकि इनका ग्रुप बढ़ता जा रहा था, लोगों ने फिर स्थानीय स्तर पर लोगों से मदद मांगी और लोगों ने, खासतौर से नौजवानों ने हमारे इनकी मदद की। अब आप जो सामाजिक सुरक्षा सेल बना है उन्हें 5 समूहों को सरकार ने लिखा कि आपके सामाजिक, सरकार की तब से युवाओं को प्रेरित किया कि आप इनकी मदद करिए, 10-10 लाख रुपए की मदद की है। उसमें 10-10 लाख रुपए सरकार ने 5 सामाजिक समूह बना के उन बैंकों में इनकी राशि 10-10 लाख दे दी और कहा कि अब आप लोग भीख के साथ साथ स्वरोजगार भी करिए, जिसके पास टैलेंट है, जो जैसे नौजवान है जो है वो स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए उनको पूंजी दे के आप अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करिए और भिक्षावृत्ति, भीख मांगने की प्रवृत्ति से आप अलग हटिए। इनके जो सेल के सहायक है निदेशक ब्रजभूषण कुमार, वो बताते हैं कि इस समूह की सफलता से बहुत प्रभावित हैं। कम से कम भिखारी अपनी मेहनत की कमाई से कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत से लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इनके पास जो इनकी मेहनत की कमाई थी, भीख मांगना कोई आसान नहीं, कितना इनको लोगों का गिड़गिड़ाते हैं, छिड़कते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुबह से लेकर रात तक एक सड़क से दूसरी सड़क इधर से उधर घूमते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये मेहनत की राशि है, इसको ये ध्यान में रख के इनके लिए हमने योजना शुरू करी है और कहते हैं इस राशि से इनके लिए झोला, दरी, कारपेट, मोमबत्ती, ये सब चीजें बनाना हम सिखा रहे हैं। सरकार ने भी मदद करती है, जो सेल के सहायक हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेल के ब्रजभूषण कुमार, वो कहते हैं हम इनकी मदद करेंगे, तो ये छोटे छोटे रोजगार करेंगे, फिर हम इनको मार्केटिंग करके बाजार में बिकवाएंगे। बोले इससे जिले में भीख मांगने वाले जो हैं भिखारियों का सर्वे भी करा रही है सरकार, ये अभी बिहार में हो रहा, धीरे धीरे सब जगह होता जा रहा है। तो ये जो भिखारियों का है सर्वे करने के बाद, इनकी क्या स्थिति है, कैसे रह रहे हैं, क्या है सर्वे में
मंदिर के पास कितने हैं, मस्जिद के पास कितने हैं, रेलवे स्टेशन के पास कितने हैं, ये खास भीड़ वाले इलाकों पे इनकी चर्चा हो रही है। अभी तक 575 की आइडेंटिफिकेशन हुआ है, 575, और सरकार का ये है, स्थानीय प्रशासन का प्रयोग है कि 31 सितंबर तक इस सर्वे को पूरा कर लिया जाए। अभी इनकी जो 5 समूह की जमा पूंजी है जिसमें इन्हें जमा करी है वो 57,000 रुपये। हम साप्ताहिक करते हैं, हफ्ते हफ्ते बैठक करते हैं, उस बैठक में ये लोग अपनी जमा पूंजी, कोई 5 रुपए दे रहा, कोई 10 दे रहा, कोई 25 दे रहा, कोई 50 दे रहा, पूरा हिसाब रखा जाता है जो उनके दैनिक खर्च से बचती है बचत। अब आप सोचिए, इनके यहां लोन लेने की प्रक्रिया भी है, जैसे किसी को लोन चाहिए भिखारी को, उसके लिए हफ्ते में जो मीटिंग होती है उसमें अपना प्रस्ताव रखता है, उसकी लिखा पढ़ी होती है, और वहां पे उस प्रक्रिया में उससे अंगूठा या साक्षर जो कर सके वो कराया जाता है। और इसमें एक बैठक में बताया जाता है कि इनका इनका आवेदन आया है, फिर इसमें एक सदस्य को गवाह बनाए, उसकी गवाही ली जाती है, और 2,000 रुपये ही अधिकतम इन्होंने तय करा कि हम 2,000 रुपये से अधिक नहीं देंगे, 2,000 रुपये अधिकतम लोन के रूप में दिए जाते हैं, और इनके जो बाकी बचे पैसे हैं उसको एक अलग से बक्से में, जैसे अगर मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और किसी एक भिखारी ने लोन मांगा तो उसको 2,000 पूरे गवाही और लिखा पढ़ी के बाद 2,000 रुपये दे देते हैं, और जो 8,000 बचता है उसको एक बॉक्स में रख देते हैं। अब इस बॉक्स की 3 चाबियां हैं, देखिए, एक इनके जो अध्यक्ष है उसके पास रहती है, एक इनके सचिव के पास रहती है, और तीसरी चाबी कोषाध्यक्ष के पास रहती है। और ये बॉक्स तभी खुलता है सबके सामने, अकेले में कोई तीनों लोग भी नहीं खोलेंगे, मीटिंग वाले दिन खोला जाता है। उस दिन कोषाध्यक्ष जो रहता है वो लोन ब्याज जमा राशि की जानकारी आज कितना सारे सदस्यों को देता है, और इसके लिए अब लड़के लिख रहे हैं, उनके रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है मुजफ्फरपुर में, और इस मुजफ्फरपुर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये एक अनोखा है, क्योंकि ये 175 भिखारियों ने, बैगर्स ने बनाया। मैंने आपसे कहा था ना शुरू में, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता शब्द पिछले साल सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। गूगल ने भी सर्वे करके बताया है कि सबसे ज्यादा इस पे सर्च किया गया, लोगों ने इस पे भाषण दिए, वेबिनार हुए, प्रधानमंत्री ने कई बार इसका उल्लेख किया, और उसी से प्रेरणा पाके भिखारी भी जो कभी आत्मनिर्भर होने की सोच नहीं सकते, जिसके आने जो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे के भीख पे, दूसरे के दान पे, वो खुद ही अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ये कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक सच्चाई है, और अगर ये सक्सेस हो गया, अभी तो सक्सेस है, अगर ये इसी तरह सक्सेस हो गया और सरकार के द्वारा भी इनको थोड़ी आर्थिक मदद कर दी गई, तो वो दिन दूर नहीं जो आप किसी भी शहर में जाते हैं, चारों तरफ को आपको हाथ पसारते हुए बैठे लूले लंगड़े लोग मिलते हैं, घिसटते लोग मिलते हैं, ये सारे के सारे अपने व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो विदेशियों द्वारा मजाक उड़ाता है, उड़ाया जाता है, विदेशी पत्रकार कहते हैं ना भारत को कि भारत उनका मदारियों का देश है, भिखारियों का देश है, ये सारा तमगा हमारे ऊपर से अलग हो जाएगा, ये आरोप हम पे नहीं लगेंगे। एक बहुत बढ़िया प्रयोग करा है भिखारियों ने, कहा गया जहां चाहे वहां राय। 175 भिखारियों ने मुजफ्फरपुर में अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, और अपने आर्थिक सुरक्षा के लिए, अपने आर्थिक संकट को अगर कभी आ जाए, उस आर्थिक संकट से बचने के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपनी पूंजी जो उनको मिलती है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, उसको एकत्रित करके रख रहे हैं और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह, अगर हम आप भी प्रयास करें अपने शहर में प्रशासन के साथ मिलके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके, अगर हम चाहें तो ये भीख मांगने वाले लोगों को एक रोजगार मिल सकता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उनको एक इसके साथ साथ सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिल सकता है, वो अपना जीवन सम्मान के साथ बिता सकें, किसी के सामने हाथ ना पसारें, आत्मनिर्भर हो सके। यह है आत्मनिर्भरता की एक कहानी। हेलो फ्रेंड, तो राजीव दुरु दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में आत्मनिर्भरता पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, 2020 में आत्मनिर्भरता शब्द जो है विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है आत्मनिर्भर, मतलब स्वयं ही स्वयं पे निर्भर होना, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट या दूसरे पे आश्रित ना होना आत्मनिर्भरता है। कोरोना के
बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उसके बाद एक संकट आ गया था, आर्थिक संकट जीवन मरण का। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तब एक आह्वान किया कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने संसाधनों को अपने आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना चाहिए। आपके पास जितने भी संसाधन हैं, आपके पास जो भी जरूरतें हैं, उनमें आप नया नवाचार करें, नए नए इन्वेंशन करें, नई नई खोज करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। उसी आत्मनिर्भरता के अंतर्गत आपने देखा होगा एक साल में नए नए प्रयोग शुरू हुए हैं, चाय की दुकान खुल गई और नए नए सैंडविच सेंटर खुल गए, फास्ट फूड के इतनी दुकानें हर शहर में खुल गई हैं जो दिल्ली बंबई में हुआ करती थी, वही पैटर्न की दुकानें छोटे छोटे शहरों में खुल गई। कुछ लोगों ने मास्क सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया। ये सारे आत्मनिर्भरता के प्रयोग थे, लोगों ने करा। जो शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए थे उन्होंने अपने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिए, यूट्यूब बनाने, यूट्यूब पे अपने बीच वीडियो लोड करने लगे और उसी से लोगों को अपने आर्थिक संबल मिला, आर्थिक सहयोग भी हुआ और अपने आप को स्टैब्लिश भी किया। पर आपने कभी सोचा नहीं होगा बेगर भिखारी, भिखारी भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये एक रोचक कहानी है, सच्ची कहानी है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं अपने चैनल सोसला जीवी ध्रुव दीक्षित के साथ, कि भिखारी भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमने देखा होगा हर जगह आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, धार्मिक स्थानों के सामने भीड़ वाली जगहों पे एक डिब्बा कटोरा लेके या हाथ फैला के आपसे सहयोग मांगते हैं, जिसको हम कहते हैं भीख। कई बार हम इनके ऊपर मांगने वालों को छिड़कते भी हैं, लेकिन यह कई सालों से चली आ रही है। अब ऐसा क्या हो गया, प्रधानमंत्री की स्पीच का क्या असर हुआ कि भिखारी भी आत्मनिर्भर हो गए? जी हाँ, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जिसे कहते हैं, ये भारत सरकार की योजना है, कई जगह चल रहा है, सभी जगह चल रहा है और राज्य सरकारों ने इसको अपने अपने हिसाब से करा, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब जगह। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था और उसी के तहत के गांव के कई लोग इकट्ठे होते हैं, खासतौर से महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा तरक्की पे, महिलाएं एकत्रित हुई हैं, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने आइडियाज रखे और 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 करके आज 2,500 महिलाओं का एक ग्रुप बने हुए हैं जो अपने संसाधन विकास के आधार पे अपना और अपने परिवार और अपने समाज को विकसित कर रही हैं, उनके लिए आर्थिक संसाधन का स्रोत बनी। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में आर्थिक सुरक्षा की चिंता के लिए, आर्थिक सुरक्षा की चिंता करते हुए, जैसे हम सभी करते हैं कि हमारे फ्यूचर सुरक्षित हो जाए, हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं सेफ लॉकर में रखते हैं, कहीं किसी ना किसी चीज में लगाते हैं सुरक्षा, क्योंकि हमें भी है कि आने वाले दिनों में आर्थिक संकट हम कैसे दूर करेंगे। इसमें मुजफ्फरपुर के भिखारियों ने भी, जो बैगर्स कहलाते हैं, उन्होंने इस आर्थिक संकट के लिए कि भविष्य में क्या होगा लोगों का, क्योंकि लॉकडाउन में उनकी बहुत बुरी हालत थी, वो तो भारत सरकार और राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज सेवकों का था कि उन्होंने उनको भोजन मुहैया कराया, कईयों के पास तो छत भी नहीं थी, सड़क किनारे सोते हैं, बॉम्बे वगैरह में तो बहुत बुरी हालत है, पाइप में सो जाते हैं, सड़क किनारे सो जाते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके लॉकडाउन में उनको कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सोशल वर्क के कार्यकर्ताओं, सरकार, राजनेताओं, इन्होंने को मुफ्त भोजन और सुरक्षा प्रदान करी। तो वो उसमें उन्होंने सोचा कि अब हमको भी अपना आर्थिक सुरक्षा की चिंता के तहत उन्होंने भी कुछ इनोवेशन, कुछ प्रयोग किए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। मुजफ्फरपुर में 175 भिखारियों ने, शुरुआती दौर में देखिए जो आंकड़ा आया है, 175 भिखारियों ने इसकी शुरुआत करी और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ये मैंने आज का आनंद, एक समाचार है, पेपर है आज का आनंद पुणे का, 28 अगस्त 2021 को उसने ये स्टोरी प्रकाशित की थी। उसी के तहत मैं आपसे बता रहा हूं कि 175
मुजफ्फरपुर के जो भिखारी थे उन्होंने इकट्ठे हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और पांच बैंक बनाए उन्होंने, पांच बैंक जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किए और इन सबों को बेहतर रूप से संचालित कर रहे हैं ये लोग। और सभी भीख में जो पैसा मिलता है, ये 75 भिखारी इकट्ठे होते हैं, जो भीख में पैसा मिलता है उसको यहाँ जमा करते हैं। बैंक बनाया उन्होंने, पांच बैंकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उसमें अपना पैसा जमा करते हैं। उस पैसे जमा राशि पे इनको ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर ये लोन भी दे देते हैं। अगर किसी भिखारी को जरूरत है तो उसको लोन भी दिया जाता है। जरूरतमंद जो सदस्य रहते हैं 1% ब्याज की दर से 3 महीने के लिए लोन देते हैं। ज्यादा नहीं इनका, इनकी अपनी क्राइटेरिया कि 3 महीने के लिए हम आपको लोन देंगे, 100 रुपए दिया 1% ब्याज, मतलब आपको 3 महीने में 3 रुपए ब्याज देना। बहुत सस्ता, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। साप्ताहिक मीटिंग होती है, हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, उसमें जमा राशि और लोन की राशि का बकायदा हिसाब किया जाता है, पूरा हिसाब किताब करते हैं। और इन सफल कोशिशों को देखते हुए, इनकी जो कोशिशें हुई हैं इसके कारण धीरे धीरे ये स्टोरी जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में छपी, पेपर में आया, काफी कुछ हुआ, तो सरकार भी अब इनकी मदद कर रही है और सरकार कह रही है हर सेल्फ ग्रुप में कम से कम 15 सदस्य रखे जाए, इन्हें कई बनाए, अलग ग्रुप बनाए और हर रविवार को तय जगह पे इनकी मीटिंग करेंगे और वहां सभी सदस्य साथ में बैठ के नए नए फैसले लेते हैं। सरकार भी अब इनके साथ मदद कर रही है। इनकी बैठक की जो पूरी कार्रवाई है इसके लिखा पढ़ी करने के लिए क्या करा है सरकार ने और स्थानीय लोगों ने, MSW के छात्रों ने और कई नौजवानों ने, कि वो बैठक में जाते हैं, एक बकायदा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्योंकि भिखारी में से अधिकांश अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो उतने तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि MSW के, सोशल वर्क के, समाजशास्त्र के विद्यार्थी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो, या फिर अन्य जो छात्र हैं वो चले आते हैं, आधे एक घंटे इनकी बैठक होती है साप्ताहिक, वहां इनकी मदद कर रहे हैं और इन छात्रों की मदद से, इन विद्यार्थियों की मदद से, स्वयंसेवकों की मदद से ये जो भिखारियों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें सदस्यों की समस्याओं का निराकरण होता है, हफ्ते भर में कितना पैसा जमा हुआ और फिर ब्याज की राशि और फिर जो लोन दिया जाता है पूरा रजिस्टर में मेंटेन करने का काम हो गया, क्योंकि इनका ग्रुप बढ़ता जा रहा था, लोगों ने फिर स्थानीय स्तर पर लोगों से मदद मांगी और लोगों ने, खासतौर से नौजवानों ने हमारे इनकी मदद की। अब आप जो सामाजिक सुरक्षा सेल बना है उन्हें 5 समूहों को सरकार ने लिखा कि आपके सामाजिक, सरकार की तरफ से युवाओं को प्रेरित किया कि आप इनकी मदद करिए, 10-10 लाख रुपए की मदद की है, उसमें 10-10 लाख रुपए सरकार ने 5 सामाजिक समूह बना के उन बैंकों में इनकी राशि 10-10 लाख दे दी और कहा कि अब आप लोग भीख के साथ साथ स्वरोजगार भी करिए, जिसके पास टैलेंट है, जो जैसे नौजवान है जो है वो स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए उनको पूंजी दी कि आप अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करिए और भिक्षावृत्ति, भीख मांगने की प्रवृत्ति से आप अलग हटिए। इनके जो सेल के सहायक है निदेशक ब्रजभूषण कुमार, वो बताते हैं कि इस समूह की सफलता से बहुत प्रभावित हैं। कम से कम भिखारी अपनी मेहनत की कमाई से कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत से लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, इनके पास जो इनकी मेहनत की कमाई थी, भीख मांगना कोई आसान नहीं, कितना इनको लोगों का गिड़गिड़ाते हैं, छिड़कते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुबह से लेकर रात तक एक सड़क से दूसरी सड़क इधर से उधर घूमते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये मेहनत की राशि है, इसको ये ध्यान में रख के इनके लिए हमने योजना शुरू करी है और कहते हैं इस राशि से इनके लिए झोला, दरी, कारपेट, मोमबत्ती, ये सब चीजें बनाना हम सिखा रहे हैं। सरकार ने भी मदद करती है, जो सेल के सहायक हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेल के ब्रजभूषण कुमार, वो कहते हैं हम इनकी मदद करेंगे तो ये छोटे छोटे रोजगार करेंगे, फिर हम इनको मार्केटिंग करके बाजार में बिकवाएंगे। बोले इससे जिले में भीख मांगने वाले जो हैं भिखारियों का सर्वे भी करा रही है सरकार, ये अभी बिहार में हो रहा, धीरे धीरे सब जगह होता जा रहा है। तो ये जो भिखारियों का है सर्वे करने के बाद, इनकी क्या स्थिति है, कैसे रह रहे हैं, क्या है सर्वे में, मंदिर के पास कितने हैं, मस्जिद के पास कितने हैं, रेलवे स्टेशन के पास कितने हैं, ये खास भीड़ वाले इलाकों पे इनकी चर्चा हो रही है। अभी तक 575 की आइडेंटिफिकेशन हुआ है, 575, और सरकार का ये है, स्थानीय प्रशासन का प्रयोग है कि 31 सितंबर तक इस सर्वे को पूरा कर लिया जाए। अभी इनकी जो 5 समूह की जमा पूंजी है जिसमें इन्हें जमा करी है वो 57,000 रुपये, हम साप्ताहिक करते हैं, हफ्ते हफ्ते बैठक करते हैं, उस बैठक में ये लोग
अपनी जमा पूंजी, कोई 5 रुपए दे रहा, कोई 10 दे रहा, कोई 25 दे रहा, कोई 50 दे रहा, पूरा हिसाब रखा जाता है जो उनके दैनिक खर्च से बचती है बचत। अब आप सोचिए इनके यहां लोन लेने की प्रक्रिया भी है, जैसे किसी को लोन चाहिए भिखारी को, उसके लिए हफ्ते में जो मीटिंग होती है उसमें अपना प्रस्ताव रखता है, उसकी लिखा पढ़ी होती है और वहां पे उस प्रक्रिया में उससे अंगूठा या साक्षर जो कर सके वो कराया जाता है। और इसमें एक बैठक में बताया जाता है कि इनका इनका आवेदन आया है, फिर इसमें एक सदस्य को गवाह बनाए, उसकी गवाही ली जाती है और 2000 रुपये ही अधिकतम इन्होंने तय करा कि हम 2000 रुपये से अधिक नहीं देंगे, 2000 रुपये अधिकतम लोन के रूप में दिए जाते हैं और इनके जो बाकी बचे पैसे हैं उसको एक अलग से बक्से में, जैसे अगर मान लीजिए 10000 रुपये हैं और किसी एक भिखारी ने लोन मांगा तो उसको 2000 पूरे गवाही और लिखा पढ़ी के बाद 2000 रुपये दे देते हैं और जो 8000 बचता है उसको एक बॉक्स में रख देते हैं। अब इस बॉक्स की 3 चाबियां हैं, देखिए एक इनके जो अध्यक्ष है उसके पास रहती है, एक इनके सचिव के पास रहती है और तीसरी चाबी कोषाध्यक्ष के पास रहती है। और ये बॉक्स तभी खुलता है सबके सामने, अकेले में कोई तीनों लोग भी नहीं खोलेंगे, मीटिंग वाले दिन खोला जाता है। उस दिन कोषाध्यक्ष जो रहता है वो लोन ब्याज जमा राशि की जानकारी आज कितना सारे सदस्यों को देता है। और इसके लिए अब लड़के लिख रहे हैं, उनके रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है मुजफ्फरपुर में, और इस मुजफ्फरपुर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये एक अनोखा है क्योंकि ये 175 भिखारियों ने, बैगर्स ने बनाया। मैंने आपसे कहा था ना शुरू में आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता शब्द पिछले साल सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। गूगल ने भी सर्वे करके बताया है कि सबसे ज्यादा इस पे सर्च किया गया, लोगों ने इस पे भाषण दिए, वेबिनार हुए, प्रधानमंत्री ने कई बार इसका उल्लेख किया। और उसी से प्रेरणा पाके भिखारी भी जो कभी आत्मनिर्भर होने की सोच नहीं सकते, जिसके आने जो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे के भीख पे, दूसरे के दान पे, वो खुद ही अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ये कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। और अगर ये सक्सेस हो गया, अभी तो सक्सेस है, अगर ये इसी तरह सक्सेस हो गया और सरकार के द्वारा भी इनको थोड़ी आर्थिक मदद कर दी गई तो वो दिन दूर नहीं जो आप किसी भी शहर में जाते हैं, चारों तरफ को आपको हाथ पसारते हुए बैठे लूले लगले लोग मिलते हैं, घिसटते लोग मिलते हैं, ये सारे के सारे अपने व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो विदेशियों द्वारा मजाक उड़ाता है, उड़ाया जाता है, विदेशी पत्रकार कहते हैं ना भारत को कि भारत उनका मदारियों का देश है, भिखारियों का देश है, ये सारा तमगा हमारे ऊपर से अलग हो जाएगा, ये आरोप हम पे नहीं लगेंगे। एक बहुत बढ़िया प्रयोग करा है भिखारियों ने, कहा गया जहां चाहे वहां राय। 175 भिखारियों ने मुजफ्फरपुर में अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और अपने आर्थिक सुरक्षा के लिए, अपने आर्थिक संकट को अगर कभी आ जाए, उस आर्थिक संकट से बचने के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपनी पूंजी जो उनको मिलती है 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये उसको एकत्रित करके रख रहे हैं और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह, अगर हम आप भी प्रयास करें अपने शहर में प्रशासन के साथ मिलके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके, अगर हम चाहें तो ये भीख मांगने वाले लोगों को एक रोजगार मिल सकता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उनको एक इसके साथ साथ सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिल सकता है, वो अपना जीवन सम्मान के साथ बिता सकें, किसी के सामने हाथ ना पसारें, आत्मनिर्भर हो सके। यह है आत्मनिर्भरता की एक कहानी।